अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है टी टाइम का स्नैक्स। ये स्नैक्स जो होते हैं, मैं तीन तरह के स्नैक्स लेकर आई हूँ। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, घर पर आसानी से बनाएं, कम खर्च पर बनाकर तैयार कर लेंगे या ट्रेड डिब्बे पर रखेंगे तो ये ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाकर, ये बहुत ही कुछ महीने चलते हैं। ज़्यादा समय कर रखेंगे कुछ ख़राब नहीं होगा। इसे आप बनाकर रखिए और फुल एंजॉय कीजिए। ये टी टाइम स्नैक्स, ये जो बनाएंगे, निमकी बनाएंगे घर पर, खस्ता निमकी, और बनाएंगे नमक पारे और सेब। किस तरह से आसान तरीके से बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नमकीन, ये जो है निमकी बनाएंगे। ये निमकी, खस्ता निमकी किस तरह बनाएंगे, दो तरह का बताऊंगी किस तरह से बनाकर, आपको जिस तरह का आसानी लगे उस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। चलिए अब लेंगे, आप चाहे तो ये गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये मैदा में दिखाऊंगी। मैदा का कोई भी चीज़ हो बनाना तो उसे छान कर लेना। ये छना हुआ मैदा है, एक कप और एक कप, दो कप मैदा लेंगे। दो कप मैदा में बनाएंगे इसे, आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, आधा चम्मच के करीब, इस थोड़ा मसल कर डालेंगे, इसका फ्लेवर निखर कर आएगा इसमें। और थोड़ा कलौंजी आधा चम्मच, बहुत ही मजे के लगते हैं इसमें डालने पर। नमक स्वाद अनुसार आधा चम्मच, और इसे मिला लेंगे। और इसमें डालेंगे घी या डालेंगे, इसे तेल में बिल्कुल मत बनाना, ये देसी घी है, इसे डालेंगे। चार चम्मच डालेंगे देसी घी। घी में अच्छा खस्ता बन के तैयार होगा। इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, मसल कर इसे मिक्स करना है। ये कितना अच्छे से खस्ता हो चुका है। ये खस्ता होने के लिए और दो चम्मच इसमें घी ऐड की हूँ। इस तरह से बांध लेंगे तो ये अच्छे से बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल टूटता नहीं, इस तरह का चाहिए होता है। इस तरह बनाएंगे, बहुत ही अच्छे से खस्ता बन के तैयार होगा। साइड कर लेंगे, बीच में थोड़ा गैप दे देंगे, और इसमें ऐड करेंगे ये हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि इसमें घी ऐड किए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका टाइट डो बनाना होता है। इसे आटे की तरह सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे इसे। इस तरह का डो बनाएंगे, इसे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए, एकदम से बिल्कुल भी पानी ऐड मत करना, क्योंकि आटा हमारा घोल जो होता है आटा, ये पतला हो जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से देख संभल कर आप करें। इस तरह से थोड़ा सा और डाल देंगे, देखिए कितना जल्दी आटा हमारा डो बन के तैयार है। देखिए इस तरह का बनाएंगे तो ये परफेक्ट बन के तैयार होगा, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं। अब इसे क्या करेंगे, 5 से 7 मिनट के लिए रख लेंगे रेस्ट के लिए। ये गीला कपड़ा इस तरह से ढककर इसे साइड में रख लेंगे, और इसके अंदर में एक पेस्ट तैयार करते हैं बनाने के लिए, उसका अंदर में लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, मैदा लेंगे 3 चम्मच, और इसमें जितना मैदा लेंगे उतना ही घी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे स्मूथ होने तक। अच्छे से फेंट कर इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। पेस्ट की तरह इसे बनाएंगे, इस तरह से इसे अच्छे से फेंट कर इसे साइड में रख लेंगे। 5 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। ये 10 मिनट हो चुके हैं, कपड़े को हटा लेंगे और थोड़ा इसे मसल कर
चिकना कर लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, पहले किस तरह बनाएंगे उस तरह मैं दिखाऊंगी। थोड़ा ज़्यादा करके बड़े वाला पेड़ा लेंगे और इसे ढक लेंगे, साइड में रख लेते हैं। यहाँ का पोंछ के साफ कर चुके हैं, अब इसे पतला से बेलेंगे। सूखे मैदा थोड़ा डस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इसे बेलेंगे, पतला करके इसे बेल लेंगे। ये देखिए बड़ा सा रोटी बनके तैयार है, देखिए कितना पतला बनके तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर में जो पेस्ट तैयार किए हैं इसे अच्छे से लगाएंगे, चारों तरफ से अच्छे से लगाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से करने पर बहुत ही खस्ता लेयर वाली हमारा निमकी बनके तैयार होगा, एक बार ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से सारा चारों तरफ से लगाकर तैयार कर लेंगे। आपको जिस तरह आसान हो उस तरह से बनाओगे। इस तरह से चारों तरफ लगा लेंगे अच्छे से। इस तरह से लगाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करते जाएंगे, मोड़ते जाएंगे। इस तरह से मोड़ लेंगे अच्छे से। इस तरह से मोड़ कर तैयार करेंगे। अब इसे क्या करेंगे, एक एक इंच की दूरी पर इस तरह से कट लगाकर इसका एक पेड़ा का आकार में बनाएंगे। इस तरह से बनकर तैयार है, देखिए। इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से ना दबाते हुए इसे क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर से प्रेस करेंगे। नीचे साइड में रख लेती हूँ, ये जो इस तरह से रख लेंगे और इसे आहिस्ता से दबा लेंगे। इस तरह करने पर बहुत ही लेयर वाली निमकी बनके तैयार होगा। इसे आप क्या करेंगे, पूरी की तरह बेल लेंगे। देखिए पूरी की तरह बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसका अंदर में थोड़ा ये पेस्ट जो होते हैं लगा लेंगे, थोड़ा चारों तरफ से लगा कर तैयार करेंगे। और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसके अंदर में भी थोड़ा लगाएंगे। ऐसे क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, निमकी का आकार दे देंगे, अच्छे से दबा लेंगे। अब इसे और नहीं बेलेंगे, अब क्या करेंगे, थोड़ा फोक लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से लगाएंगे, इस तरफ भी पलट कर इसे थोड़ा कर लेंगे, इस तरह फोक लगा कर। ये देखिए कितना अच्छे से ये निमकी हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये तो साइड में रख लेंगे, इसे भी बना लेंगे और दूसरे जो और एक टाइप का मैं दिखाऊंगी, तो इस जो आटा हमारा है इसे थोड़ा सा बैटर लेंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे जितना पूरी के आकार का, लेकर इसे क्या करेंगे, थोड़ा बेल लेंगे। इसे दिखने में कोई फ़र्क नहीं होगा, स्वाद में भी कोई फ़र्क नहीं होगा, बस इतना है। जो ये जो निमकी है मैं दिखाती हूँ आपको बनाकर। इस तरह से पूरी की तरह से बेल लिए हैं और इसके अंदर में ये जो है बैटर है, पेस्ट बनाकर रखे हुए हैं, इसे चारों तरफ लगा लेंगे। आपको जिस तरह से आसानी लगे आप उस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं है, बस इतना है कि जो ये जो है, ये जो पहले बना कर रखी हूँ, ये बहुत ही लेयर निकल कर आएंगे, इसमें थोड़ा सा कम निकल कर आएंगे, लेकिन कोई स्वाद में फर्क नहीं होगा। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगाएंगे। इस तरह से लगा कर इसे भी तैयार करेंगे और इसे भी फोल्ड कर लेंगे। देखिए लग रहा है ना पहले वाले जैसे नमकी, इसमें भी थोड़ा फोक लगा लेंगे। अच्छे से दबा लेंगे साइड से, पलट कर इससे भी फोक लगाएंगे। बस देखिए दिख रहा है कोई फर्क? दिखने में एक जैसा है, लेकिन ये पहले वाला जो है इसका लेयर जो है ये निखर कर आएंगे और इसे थोड़ा कम निखर कराएंगे, लेकिन ये कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं है। इस तरह से सारे निमकी बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद में आपको दिखाऊंगी। सारे निमकी बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये जो पहले वाला था ये सब पहले बनाकर तैयार की हूँ, ये जो पीछे बनाई थी तो उस दो तक टाइप का बनाकर तैयार हो चुका है। चलिए अब इसे क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। कढ़ाई पर तेल रख चुके हैं इसे फ्राई करने के लिए, ज़्यादा इसे गर्म नहीं करेंगे, हल्का गर्म होने पर इसे डालेंगे। देखिए इस तरह का होना चाहिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर तक पक के तैयार होगा। ज़्यादा हाई फ्लेम कर लेंगे तो ये अंदर से नहीं पकेगा, ऊपर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन ये अंदर से अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से जितना इसमें आ सकता है डाल लेंगे, इसमें थोड़े समय के लिए इसे छोड़ देंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तैरने लगेगी, उसके बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता पकने देते हैं और गोल्डन होने पर इसे निकालेंगे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तैरने लगी है, ऊपर आ रहा है, तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता मीडियम टू लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, इसका जो लेयर्स हैं ये अच्छे से निखर कर आएंगे, ऊपर को अच्छे से निकल कर आएंगे और ये अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पकने देते हैं इसे। ये देखिए ऊपर पूरा तैरने लगा है, अब इसे पलट लेंगे। इस तरह से सारे निमकी को पलट कर तैयार करेंगे। इतना अच्छा लेयर खुल कर आया है, इसे आहिस्ता आहिस्ता इसे गोल्डन फ्राई करते हैं। तीन तरह का नमकीन बनाऊंगी, इसे आपको कौन सा पसंद है ज़्यादा मुझे कमेंट में थोड़ा बताएं। अब इसे इस तरफ भी पकने देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, अब निकाल लेंगे और ज़्यादा इसे डार्क नहीं करेंगे। ये बहुत ही खस्ता बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। इसे बनने में 10 से 12 मिनट समय लगता है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये सारे निमकी को निकाल कर सेकेंड बैच भी डाल लेंगे। निकालते समय इस तरह से साइड में थोड़ा रोक लेंगे तो एक्स्ट्रा तेल जो होगा वो निकल आएगा। अब इसे निकालते हैं, जैसे ये ठंडा हो जाएगा और भी क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होगा। कितना अच्छा कलर आया है, इस तरह से सेकेंड बैच भी डाल लेंगे। सारे निमकी को इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, यह निमकी हमारा सारा बनके तैयार हो चुका है। इसे अब साइड में रखते हैं, अब चलते हैं सेकेंड नमकीन की तरफ। ये बनाएंगे बारीक वाले सेब। ये सेब का वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। एक कप बेसन लिए हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, एक पिंच, ये है सीक्रेट, एक पिंच लेंगे मीठा, सॉरी ये है बेकिंग पाउडर, एक पिंच ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। और इसमें डालेंगे एक चम्मच के करीब तेल, थोड़ा खस्ता कर लेंगे
खस्ता करने पर ये जो हमारा सेव बनेगा बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही सॉफ्ट वाला बन के तैयार होगा। अब इसे मसल कर तैयार करेंगे, उसके बाद इसे इसका डो बनाना होता है। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, इस तरह से थोड़ा चिपचिपा वाला डो हमें चाहिए। इस तरह का बनाकर तैयार करेंगे, इसे साइड में रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो है छांचा हमारा है, मेरे पास इस तरह का है, तो मैं इसमें तेल अच्छे से लगाकर कोट कर चुकी हूँ। ये जो जाली है इसके अंदर में भी तेल लगा चुकी हूँ। अब इसे क्या करेंगे, इसे इसके अंदर में डो डालना है। इस तरह से इसके अंदर में थोड़ा डालेंगे। ये जो डो बना कर रखे हुए हैं, ज़्यादा टाइट डो बनाएंगे तो इसके अंदर में जो पतले पतले जाली होते हैं उसे निकलने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो इस तरह से इसके अंदर में इस तरह का चिपचिपा सा डो बना कर इसे अंदर में डाल लेंगे। जितना इसके अंदर में आ सकता है उतना ही डालेंगे। मेरे पास थोड़े क्वांटिटी में बनाई हो तो ये सारा सब मैं डाल चुकी हूँ। आप ज़्यादा तो क्वांटिटी में बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर इसे अंदर में डालकर इसे बनाकर फिर से डालेंगे। अब इसे क्या करेंगे, इसके अंदर में इस तरह से रखकर इस प्रेस करेंगे। सेम कढ़ाई का तेल में अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये जो सेब है इसका प्रेस करके इसे निकालेंगे। तेल हमारा गर्म होने पर इसे क्या करेंगे, मिड फ्लेम को कर लेंगे मीडियम। मीडियम फ्लेम पर इसे आहिस्ता आहिस्ता पकने देते हैं। इस तरह से सेब बनाकर तैयार करेंगे बहुत आसान तरीके से। मैं आपको बताती हूँ कि यह बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। एक बार ज़रूर ये स्नैक्स को ट्राई ज़रूर करना है। अब इसे क्या करेंगे, थोड़े समय के बाद इसे पलटेंगे। एक से दो मिनट के बाद ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाते हैं, तो इसे आहिस्ता से पलट लेंगे। कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है। इस तरह से सारे सेब को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही ये जल्दी वाली रेसिपी। तीन तरह का नमकीन बताई हूँ, कौन सा नमकीन आपको ज़्यादा पसंद है थोड़ा कमेंट में बताएं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इस तरह से थोड़ा सा साइड में रोक लेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल होगा ये निकल आएगा। अब इसे इस तरह से सेकंड बैच भी डाल लेंगे। इस तरह से डालेंगे, इस तरह से सारे सेब को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसका सारा झाग खत्म हो जाए तो समझ लेना ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसे भी निकाल लेंगे। इस तरह से सारे सेब को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये कितना अच्छा कलर आया है सेब का हमारा, ये भी बनके तैयार है। इसे भी साइड में रख लेंगे और थर्ड जो है नमकीन उसे बनाना शुरू करते हैं। ये बनाएंगे, ये नमकीन जो है इसे गजा भी बोला जाता है। इसे क्या करेंगे, ये नमक पारे हैं, शक्कर पारे तो होते हैं मीठे, ये नमक पारे, ये नमक से बनाएंगे। इसमें मीठा बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा अजवाइन, आधा चम्मच के करीब मसाले हैं, कलौंजी आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, तेल डालेंगे इसमें खस्ता करने के लिए 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। इसे डालकर अच्छे से मसल लेंगे। देखिए अच्छे से मसल कर इसे खस्ता कर लिए हैं। इस तरह से बांध लेंगे तो बन जाएगा। इस तरह का इसका कर कर तैयार करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सॉफ्ट डो बनाना है। ज़्यादा करके पानी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए सॉफ्ट से डो बन के तैयार हो चुका है। अब इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख लेंगे। एक भीगे कपड़े का
ढककर इसे रखकर तैयार करेंगे। मिलती हूँ पाँच से सात मिनट के बाद में। पाँच से सात मिनट के बाद देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अब इसे थोड़ा मसल लेंगे और इसे दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ का साफ करके पोत चुके हूँ। अब इसे पतला सा बेलेंगे, एकदम पतला नहीं, थोड़ा सा मीडियम जितना होता है उस तरह का बेलकर तैयार करेंगे। थोड़ा मैदा डस्ट करते हुए इसे आहिस्ता आहिस्ता करके बेलेंगे, बेलकर इसका बनाएंगे नमक पारे। मार्केट में जिस तरह मिलता है उस तरह से बनाएंगे। कितना स्वादिष्ट और कम खर्च में बन के तैयार होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से बेलकर तैयार करेंगे। ये देखिए बड़ा सा रोटी बन के तैयार हो चुका है। कितना थिकनेस है इसका देखिए, इस तरह का बनाकर तैयार कर लेंगे और इसमें आहिस्ता आहिस्ता कट लगाएंगे। मार्केट में जिस तरह से मिलते हैं आप अपने मन चाहे सेब भी दे सकते हैं। इस तरह से काट कर तैयार करेंगे, बच्चों को टिफ़िन में देना हो या चाय के साथ में खाना हो, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से बनाकर खाएं और दूसरों को खिलाएं, बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक्स बनकर तैयार होगा। इस तरह से सारे रोटी में कट लगा लेंगे और मैं इसे क्या करूँगी, इस तरह का कट लगाऊँगी, छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से कट लगाकर इसका जो छोटे छोटे नमक परे हैं उसे बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारे नमक परे बनाकर तैयार करेंगे। जो रोटी बनाकर तैयार कर चुके थे तो इसे काट के इसे नमक परे इस तरह से रख चुके हैं। इस तरह से इसे फ्राई करने के लिए मैं तेल उधर चढ़ा चुकी हूँ। उस तेल हमारा गर्म होने पर मीडियम फ्लेम पर इसे बनाएंगे। इसे क्या करेंगे, डालकर इसे बनाने के अंदर में दूसरा रोटी बनाकर उसे कट लगा लेंगे। चलिए तेल की तरफ चलते हैं। सेम कढ़ाई सेम तेल में, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसे क्या करेंगे, डाल लेंगे। देखिए इस तरह से डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से इकट्ठा करके क्यों डाल लें, ये तेल में जाते ही अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाता है। जैसे जैसे पकता जाएगा ये आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगेगा। इसे आहिस्ता आहिस्ता इसे पकने देते हैं। ये देखिए किस तरह से ये अलग अलग हो चुका है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन फ्राई करके निकालेंगे। ये जब तक फ्राई हो रहा है और एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये पकने लगे हैं। इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन फ्राई कर निकालेंगे। इस तरह से सारे नमक पारे को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए अच्छा गोल्डन हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से सेकंड बैचेस भी डाल लेंगे और सारे नमक पारे को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा रोक लेंगे तो एक्स्ट्रा तेल जो होगा वो निकल जाएगा। इस तरह से सारा नमक पारे को निकाल लेंगे। बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। सेकंड बैचेस भी डालकर तैयार कर लेंगे। पलटते पलटते हुए इसे गोल्डन फ्राई करके इसे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सारे नमक परे बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसे तीन टाइप का नमकीन हमारा बन के तैयार हो चुका है। कितना कम समय में बन के तैयार हो जाता है। इसे आप तोड़ लेंगे, तोड़कर इसे सेब बनाकर परोसेंगे। तोड़ लिए हैं, सेब बन के तैयार है। चलिए अब इसे परोसने के लिए। ये देखिए तीन टाइप का नमकीन बन के तैयार हो चुका है। कितना समय में कम खर्च में बनाकर तैयार कर लेंगे। मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना स्वादिष्ट और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये है नमक पारे, इसे भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये है सेब, बारीक वाले सेब है,
और ये है, ये जो है खस्ता वाला निमकी है, ये भी बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी। घर पर इसे आसानी से बनाएं, चाय के साथ किसी भी समय खाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसे एयरटाइट कंटेनर पर रखकर कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, कुछ ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं और फुल एंजॉय कीजिए। आई होप मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।